सानिहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, पंजाब हुकूमत, आज पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस बारे में उमर शाकिर हमें बताएंगे। उमर शाकिर बताइए इस बारे में। साहिबाद के वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर लिया गया है और ये दरख्वास्त मुकामी वकील मोहम्मद आसिफ ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब समेत दिगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौका अख्तियार किया गया है कि सीटीडी एहलकारों ने साहिवाल बाईपास के करीब खानदान से भरी कार पर फायरिंग की। दरख्वास्त में कहा गया है कि सीटीडी ने फायरिंग करके एक मासूम बच्ची, एक जवान औरत समेत चार अफराद को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया। दरख्वास्त में इतराज़ ये उठाया गया है कि साहिवाल वाकये की छानबीन होनी चाहिए लेकिन आला सतह पर तहकीकात हो, जबकि जीआईटी की तफ्तीश वो हकाइक सामने नहीं आएंगे। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि साहिवाल वाकये की अदालती तहकीकात होनी चाहिए ताकि असल हकाइक अवाम के सामने लाए जा सके। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त अपडेट करने के लिए